Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope it's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming, new person, my home, brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much. Bottom my heart, my beautiful YouTube family. सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा, उसके बाद हम बात करेंगे सलमा, नैना, छोटी बाजी और किस किस को रोस्ट करते हैं. आप हमारे साथ ही रहिएगा, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे. हो सकता है कुछ वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे. Yes, guys, believe me. सबसे पहले बात करते हैं जी, 9 लाख हो चुके हैं सब्सक्राइबर. सितारा ने वीडियो डाली और उसने कहा कि दुआ करें कि ये मैं कल जो हूँ मैं पार्टी करूँ, और पार्टी में कल वो केक काटेंगी, किन किन को बुलाएंगी, किन को शामिल करेंगी. तो हम सब प्रे करते हैं जी. जो आज उन्होंने बनाई थी वीडियो, अपलोडिंग की थी, उसके साथ साथ जी फिर कुछ देर के बाद उन्होंने सूट पहना. सूट पहनकर वो मेकअप किया, मेकअप करके वो रेडी हुए और दिखाया कि उनको किस किस से सूट भेजे थे, ड्रेस भेजे थे. वो पहन को बहुत प्यारी लग रही थी. और कौन से डिज़ाइनर के सूट आए थे, यहाँ पे साजिद के पास पहुँची और कहती प्लीज़ मेरी पिक्चर ले लो. साजिद ने कहा ठीक है जी. साजिद ने जो इन लोगों ने स्टूडियो बनाया हुआ है उस स्टूडियो में बैठ गई सितारा और इन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर बनाई. इसी खुशी में सितारा ने बनाई चाय और सबको पेश की. यहाँ पर आ जाते हैं जी बाबर. बाबर ने कहा जी मुझे भी शॉर्ट आउट चाहिए, 9 लाख सब्सक्राइबर तुम्हारे हो चुके हैं सितारा. तो सितारा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा जल्दी से अपना व्लॉग बनाए. तो उन्होंने वो बातें उनकी वीडियो में की. इसके बाद हम साजिद पे जाते हैं जी. साजिद ने कहा मेरी टिकट हो चुकी है. अब साजिद कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या वो कोसर को लेके कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या फिर वो बच्चों को लेके कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं. पर साजिद ने ये क्लियर नहीं किया कि टिकट कितनी करवाई है उन्होंने, पूरी फैमिली की करवाई है या उन्होंने अपनी सिर्फ टिकट करवाई है. खाली उन्हें कहा कि टिकट हो गई. तो जी ये तो थी आज की ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़. इसके साथ ही हम लोग जो है रिमशा, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ साथ आप लोग देखते रहे. यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी मेरी फ्रेंड ने मेरी पिक्चर, मेरी वीडियो जो है वो गंदी डिलीट की. दूसरी साइड पे फिर इन्होंने ये जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, इन्होंने आकर बताया कि इसके साथ जो हुआ बिल्कुल सही है. उसको मजबूर किया जा रहा है कि इसको चूसे, मुसलमान होना तो दूर की बात है. उन्होंने कहा ये पठान भी नहीं, जितने तुम्हारे ऊपर लानतें पड़ने की पड़ चुकी है. खामत के साथ 3-4 महीने गुजारो, फिर उस वक्त मैदान में आओ. मेरे पेट के अंदर लाके और मैं 5 से 6 महीने में पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा बच्चा दे रही हूँ. तीन दिन तो बिचारी 1 मिनट के गलत दबाने के बाद मरिया, तुम्हारे लिए तो हर चीज मर चुकी है. लेकिन दिन मरने वाला खुश हुआ, मैंने कहा था इन्ना इन्ना इन्ना. इस बेहूदा लड़की के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है. इस कुराने पाक की कसम उठाती हूं कि मैंने इसकी वीडियो लीक नहीं की. अगर मेरे पास होती तो मैं ऐसी हरकत कभी ना करती. मैंने इसकी वीडियो कभी ना लीक करने का सोचा, ना मैंने लीक की है. ये इसने खुद की है या इसके बॉयफ्रेंड ने की है. जो दो बंदे हैं उनके पास ये वीडियो थी, इसका बॉयफ्रेंड और ये इसके पास खुद की. और ये बोल रहे कि मेरे हस्बैंड की वीडियो है. इस बात में कुरान पे हाथ, इसके हस्बैंड की वीडियो नहीं है, ये हसन की है. हसन शाह जो इसका बॉयफ्रेंड था, खुदा माफ करे. जी इनकी फ्रेंड आई, उन्होंने कुरान उठाया, कुरान उठाकर उसने ये कहा कि ये वीडियो मैंने लीक नहीं की, इसने मुझ पे इल्जाम लगाए हैं. ये वीडियो इनका फ्रेंड था, जो इनका पहले दोस्त था, उन्होंने मिलकर ये किया. लेकिन अभी जी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि इनके हस्बैंड ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है फेम लेने के लिए. लेकिन ऐसे भी हस्बैंड होते हैं जो अपनी बीवी की नंगी तस्वीरें नहाते हुए की और इस तरह की तस्वीरें, लेकिन उन्होंने कहा जो तस्वीरें जिसके अंदर थंब जो है अंगूठा पाऊं का उस औरत के मुंह में जा रहा है, वो उसके शौहर का अंगूठा नहीं है, असल में उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसका अंगूठा है. जी गाइस, ये भी जो है अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और ये हकीकत है जो आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर की है. इसके बाद जी अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं जी, अब चलते हैं हम जी इंसाफ बीबी के ऊपर चलते हैं. और इंसाफ बीबी जी बहुत खुश है, नहा धो लिया है बहुत अच्छे से. आज उनका आप चेहरा भी देख सकते हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है. और जी असगर जो उनके पास बैठा हुआ है अपना गिरेबान खोलकर, बाद में समझ आइए थे रख, तभी तो आज बीबी बहुत हैप्पी हो हैप्पी है जी गाइस. और जी जो वॉच लेकर आई थी, घड़ी लेकर आई थी नैना स्मॉल साइज की, उसको लगा कि ये आ जाएगी असगर को, पर असगर को वो घड़ी नहीं आई, वो आ गई असगर के बेटे को. बेटे ने कहा कि चलो ये घड़ी मैं पहना देता हूं अपनी बहन को. मुझे लगता है नैना का दिमाग हो चुका था उस टाइम खाली, वो समझी जैसे मैं खुद छोटे साइज की हूं इसी तरह असगर भी छोटे साइज होगा. ओ आम जी, यस गाइस, ये तो भाई आप इनकी वीडियो हम लोगों ने जब देखी, यही बता हमारा काम है, उसके अंदर हमें सब चीजें ये खुलकर सामने आई कि ये यहाँ वहां वहां वीडियो में ये सब कुछ हो रहा है. जी गाइस, उसके बाद जी नैना ने कहा वीडियो बनाई, उसने कहा कि हाँ मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे बुखार भी है, मुझे ये भी है. भाई बुखार है अगर तुम्हें, तो तुम एक छोटी सी बच्ची को
बलून के अंदर पानी भर भर के उसके मुंह पे जो तुम मार रही हो, तो क्या बुखार जिसको होता है वो इस तरह की हरकतें करता है? OMG, ये भी हमने राज खोल दिया जी गाइस। ये वो पागल बंदी है जो गुब्बारे के अंदर बलून के, और ये भी नहीं सोचा कि पानी का भरा हुआ बलून जब किसी के फेस पे लगता है, बहुत जोर से इस लड़की ने मारा नैना ने, तो कितनी तकलीफ होती है। उसके बाद जी गिरेबान खुल गया, गिरेबान खुला और यहाँ पर ये अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, कह रहे उफ अल्लाह, लोगों को पता चल गया। और बच्चा कह रहा है बाबा कोई बात नहीं, हमने रात को ऐसा कुछ भी नहीं सुना जिसकी वजह से आप इतने शर्मिंदा हो रहे हैं। खैर आपकी वाइफ है सलमा, आपने जो कुछ भी किया रूम के अंदर, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, लग रहा था शायद बिल्ली रो रही है या बिल्ली जंपे मारी बेड के ऊपर, लेकिन इस ओके नो प्रॉब्लम। आप लोग देख सकते हैं बच्चा उनको जो है वो खामोश करा रहा है कि मत बाबा रोए मत रोए। यहाँ पर जी असगर जो है मुंह के ऊपर हाथ रखकर रो रहा है बेचारा, कह रहा है उफ अल्लाह मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरा भेद खुलकर बच्चों के भी सामने आ गया, मैं कितना ज़ालिम हूँ, कितना ज़ालिम हूँ कि मैंने 1 वीक या 2 वीक इंतज़ार तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन भी इंतज़ार नहीं किया, जहाँ सलमा ने नहाया वहाँ पर मैंने ठोक दिया। चले जी अब ठोका तो जहरी बात है, हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। खैर फिर यहाँ पर जी इसने कहा कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जो तू कह रहा है ना किसी ने कुछ नहीं रात को सुना, चोर घर में आए थे तो कोई बात नहीं, खैर है इस ओके। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि जी ये ले आप अपनी ये जो वॉच जो नैना जी लाई हैं आपके लिए, समॉल, पता नहीं वो क्या सोच के समोल लेकर आई है, वैसे नैना को तो बड़ी चीज़ें अच्छी लगती लेकिन वो समोल ले आई, तो बाबा जी आप ये ले ले खैर है। तो फिर इसके बाद असगर खान हैप्पी हो गया और इसने जी वो वॉच अपने बेटे से ले ली और कहने लगा कि हाँ ठीक है, मैं समोल को भी बिक करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। और यहाँ पे जी नैना बड़े गौर से देख रही है कि ओ माय गॉड असगर ने क्या कह दिया, और इसकी आंखों में जो आप लोग चमक देख रहे हैं, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बेटी बैठी हुई है जसूस, किसकी है वो? सलमा की है, और सलमा की बेटी जसूस बैठकर देख रही है कि नैना मेरे डैड को इतने गौर से क्यों देख रही है। जी 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 जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन माँ बहुत खुश है, देखने साथ बैठी है और माँ हंस रही है और हंस रही है और हंस रही है और हंस रही है। यहाँ पर ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग पहुँचे, लेकिन इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है, भाई आप लोग अल्लाह के घर जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो, लेकिन आप जी कैमरा आप लोगों के हाथ में और आप पूरी दुनिया की औरतों को दिखा रहे हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं, इसके साथ साथ औरतें आ रही हैं जा रही, लेकिन इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती। सबसे ये जो इंसाफ बीबी जो बनती है ना कि मैं बहुत नेक और पाक और बहुत शरीफ हूँ, इस औरत को शर्म ना आई और इसने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पर कैमरा बंद कर दो, हम घर जाके बाकी बात कर लेंगे, घर जाके बता देंगे हाँ भाई हम गए थे नमाज पढ़ के, हम लोग आ गए, लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जी पर्देदार औरतों को भी देखें जी अपने कैमरे में कैच किया, उसके साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया जो सारा गुनाह इस इंसाफ बीबी सलमा के सर पर जाएगा। और इसके साथ साथ जी आप देख सकते हैं नैना बहुत खुश हो रही हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे इंसाफ बीवी वापस जा रही हैं, और यहाँ पर जी नैना कह रही है कि जी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे इसलिए मैं बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी, तो मुझे पैसे चाहिए, तो इसलिए ये सड़क के ऊपर बैठ गई हैं और कह रही हैं कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, क्योंकि आजकल वैटी पे सब पैसा पैसा कर रहे हैं जो सलमा के हैं, और सलमा के जो कट्टे चट्टे थे उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर कर जो है जोहा को भी दिया, और जोहा ने उसका घर बनाया, उसके साथ साथ सलमा को दिया, सलमा ने फार्म हाउस खरीद लिया, उसके साथ साथ अभी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जहरी बात उनका है, रेंट पे भी लिया जो भी है, लेकिन काम तो उधर हो रहा है ना भाई, है तो उसका पता ही हो गया ना, बेशक रेंट का है जो भी है हो तो रहा है ना भाई, जो भी हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद ये बैठी हुई है सड़क पर, कह रही दे दो दे दो दे दो, चले जी वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला, एक ब्रेड टुकड़ा मिला था वो ही खाने लगी, घर आए, घर चाय वाय बनाई, माँ उदास बैठी है, माँ ने कहा मेरी बेटी ने आज अच्छी कमाई नहीं की वहाँ पे बैठकर, और किसी ने भी 1 रुपया तक वहाँ पर नहीं दिया, तो बहुत उदास थी, आप लोग उसके चेहरे से देख सकते हैं, उन्होंने तो घर आके खाना भी नहीं खाया, हाथ भी जोड़ कर हाथ जब जोड़े सलमा ने कहा कि आजा बाजी बैठ जा खाना खा ले, आजा बाजी बैठ जा साड़ी सैकलते, तो वो आ गई बैठ गई, चौकड़ा मार लिया और बैठ के अब ये लोग सब बैठ कर मज़े से खाना खा रहे हैं। इसके साथ साथ रुबीना के मुंह पे हंसी आ गई, और इधर यहाँ पर ये देखे बहुत ही आराम से सुकून से बैठ कर नैना खाना खा रही है, और नैना मुंह में खाना डाल कर किसी को क्या कह रही है, समझ जाओ। इसके साथ ही आते हैं जी छोटी बाजी के ऊपर, छोटी बाजी ने जी अपनी जो वीडियो डाली थी जिसके ऊपर वो अपने मुलाजम को उनको जो है डांट रही थी, उनके ऊपर चिल्लम चिल्ली कर रही थी और स्क्रीम कर रही थी जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो करती तो वीडियो ना बनाती और प्राइवेट उसको रखती, लेकिन नहीं उन्होंने वीडियो बनाई डाली और फिर उसको वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया, तो ये छोटी बाजी ने जानबूझकर ऐसा किया। फिर
फिर आज उन्होंने दोबारा से उस वीडियो को फिर दोबारा पब्लिक कर दिया। छोटी बाजी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही हैं, कभी उस वीडियो को प्राइवेट कर देती है जिसमें उन्होंने अपने मुलाजम को, क्या चल रहा है कि कभी वो प्राइवेट करती हैं, कभी वो उसको पब्लिक कर देती हैं, फिर करती हैं। लेकिन खैर जो भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, बैठी के ऊपर बिल्कुल समझ के बाहर बाहर है। छोटी बाजी खैर अपने खुद ही पंगे में फंसी, शेफ़ को किसी ने नहीं देखा हुआ था, वो मैंने वीडियो तब भी डाली, शेफ़ को ये खुद लेकर आई, शेफ़ की वीडियो उन्होंने खुद डलवाई। अगर शेफ़ इतना वफादार होता छोटी बाजी का, तो कभी भी दिलबर लोगों को फ़ोन ना करता, उधर बातें ना करता। अब शेफ़ कह रहा है कि नहीं छोटी बाजी, मैं आपका वफ़ादार हूँ। तो ऐसे वफ़ादारों को वफ़ादारी नहीं कहा जाता, नमक हराम कहा जाता है। अगर ये छोटी बाजी का वफ़ादार नहीं था, तो ये लोग दिल पर लोगों का वफ़ादार रहता कि वहाँ की बातें यहाँ और यहाँ की बातें वहाँ नहीं करनी चाहिए थी। भाई जिसके घर में आप खाते हैं, छोटी बाजी के घर में नमक हलाली तो बनती है, जी, लेकिन यहाँ पर भी नमक हलाली नहीं, नमक हरामी यहाँ पर भी की गई, और यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ की गई। इसलिए छोटी बाजी ने वीडियो डाली और डालकर उसको प्राइवेट किया, फिर उसको पब्लिक कर दिया। चले जी, अब उनका चैनल है, वो प्राइवेट करे पब्लिक करे, लेकिन लोगों के पास वीडियो वो आ चुकी थी जब इन्होंने उसको वीडियो को डाला। तो अब हम भाई यही दुआ करते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो रुक जाए, वो सही हो जाए। कुछ लोग जो है अभी भी नोशी मुल्तानी को टारगेट कर रहे हैं, नोशी मुल्तानी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। लेकिन नोशी मुल्तानी जो कुछ भी करती हैं, ये मैं बताती हुई जाऊँ, वो बिल्कुल सोच समझ के करती हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं करती हैं किसी की भी दिल आज़ारी हो। हाँ, लोग उनसे ज़रूर जलते हैं, लोग उनको जो है फेक आइडियां बना के उनको जाके गंदे गंदे मैसेज गाली गलौज देते हैं, जो बहुत 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 गलत बात है। आप लोग खुद उन वीडियो भी पब्लिक पढ़ेंगे, आप लोग उनकी बातों से जेलसी की बदबू आएगी। आप खुद देखेंगे कि दुश्मन के दुश्मन जो सज्जन भी हैं, वो भी उनके ऊपर किस तरह की बात करते हैं, किस तरह उसका नाम लेते हैं, किस तरह उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत दुख की बात है, हम सब सितारा के सपोर्टर हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, सितारा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए प्यार भरे हमें व्लॉग बनाने चाहिए, ना कि हमें जो है बुली करनी चाहिए, ना कि हमें जो है सितारा के जो बहुत क्लोजी बहुत करीबी स्पॉट और बहुत ही सुपर पावर वाले जो है उनके सपोर्टर हैं उनके ऊपर गाली ग्लोज करके उनको लेट डाउन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे सपोर्टर छोटा हो बड़ा हो, सपोर्टर तो सपोर्टर है, मेहनत सबकी है, मेहनत गालियां सबको पड़ी, बात सब पर हुई, लेकिन कुछ कैमरे के सामने आ गया, कुछ कैमरे के बिहाइंड कुछ लोग कर रहे हैं, तो जी ये बहुत गलत है। तो चले जी, आज का तो यही है। हाँ, दुमकटा बंदर अभी तड़प रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसलिए दुमकटा बंदर कभी किसी दरख्त पे चढ़ा होता है और कभी किसी दरख्त पे चढ़ा होता है। खैर, वो कौन कौन से दरख्तों पे चढ़ा है वो भी हम बहुत जल्द आपको दिखा देंगे कि कौन सा वो दरख्त था जिसके ऊपर वो चढ़कर वो बैठा हुआ था, और बैठ कर जी वो नैना 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 करा, पर नैना तो वहाँ पर भीख मांग रही है, कह रही है अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो, अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो, क्योंकि उसको पाकिस्तान वापस भी जाना है, तो इसलिए उस पैसे के टिकट के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है। चले जी, आएंगे नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।